हमारा और माना के बीच का फासला बस इतना सा पानी, और सारे ऑलमोस्ट मिट्टी के बने हुए घर हैं, और एक ही पक्का घर है जो कि है उधर का स्कूल, प्राइमरी स्कूल है। वहाँ से लोग सुबह के टाइम में ही आते हैं और शाम के टाइम में वापस चले जाते हैं, और उसके बाद से कोई नाव चला के आता नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 10:30 के आसपास टाइम होगा, आज भी मैं सुबह नहीं उठ पाया हूँ, क्या हो गया है पता नहीं, क्योंकि बीच बीच में कुछ दिन उठ नहीं पाया हूँ, इसलिए आज भी हुआ नहीं, कल से लेकिन पक्का उठेंगे। जैसे लास्ट दिन बीच में एक बार उठा था, कल मिस हो गया था, आज मिस हो गया, लेकिन कल से मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस बार सच में दिक्कत होने वाला है, लेकिन कल से ज़रूर उठूँगा मैं। तो अभी वेदर तो काफ़ी सही है आज, देखो धूप भी सही निकला है, मस्त धूप, थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है मुँह पे आज। खाना भी आ चुका है मेरा, मम्मी भी है यहाँ पे, चाय पी रही है, तो मैं खाना खाऊंगा। और आज संडे है, और कल रात को सोनादा आया था तो बाज़ार जाना था, सोनादा सुबूदा दोनों निकल गए, मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं अभी जल्दी खाना ख़त्म करता हूँ, फिर चलेंगे बाज़ार। फ़ोन कर रहे थे मुझे आने के लिए, मेरा तो उठने में लेट हो गया थोड़ा सा ना, वो लोग निकल गए, लेकिन मैं जल्दी जाके उन लोगों को ज्वाइन करता हूँ, बाज़ार में होंगे हमारा सब्ज़ी बाज़ार में, और टाइम लगेगा उनको, एक घंटा तो टाइम लगेगा, उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगा। उधर देखो DBC देखो ना, मस्त, थोड़ा बहुत फॉगी वेदर है, और उधर थोड़ा सा धुआं भी है, पॉल्यूशन भी है थोड़ा सा, सब मिक्स्ड अप करके वैसा हालत है, लेकिन वेदर सही है। अभी निकलने का टाइम आ चुका है, ये देखो ये लोग घूम के आ गए मुझे बिना लिए, अभी मैं लेके जाऊंगा, घूम लेट तो हुए थे एक। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन जो है वो है सुरभि, क्योंकि सुबह बाज़ार का काम कंप्लीट हो गया, सुपुदा और सोनादा दोनों मिल के कर दिया है, इसीलिए अभी सुरभि पहला डेस्टिनेशन है, और यहाँ से कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। बाइक का भी पेट्रोल भरवाने एक बार जाना है, वो भी अंडाल मोड़ में जो पेट्रोल पम्प है, और पाम भी चेक करवाना है। आता हूँ, रुक जाओ, बुला रहे हैं, चलो। घर आ चुका हूँ भाई, सोनादा का कुछ काम था वो नहीं आया, और आते ही बिल्लू जी पड़ गए पीछे, मतलब मैं ही यहाँ पे आया हूँ, वो नहीं पीछे पड़े थे, लेकिन मुझे देख के वो पीछे पड़ गए, अभी सिर्फ म्याऊं कर रहे हैं, देख दांत, देखो नुकीला दांत और नुकीला नाखून है, इससे बच के रहना पड़ेगा इनसे। ऐ चलो देखो क्लोजअप, देखो ये देखो, देखे दिन भी गए पैदल घूमना पड़ रहा है, क्योंकि बाइक जो है सोनादा लेके चला गया, हम लोग इसलिए पैदल ही घूम रहे हैं, क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं, घर में ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो अभी सामने वाली नदी में चलेंगे, इधर अभी उधर तक नहीं जा सकते, पूरी डांगा बहुत दूर है पैदल जाने के लिए, अभी चले जाएंगे तो 4 बजे घर पहुँचेंगे वापस आने के टाइम, इसलिए सामने वाले में ही जाएंगे, इधर वाला जो है या तो हमारा 15 में जा सकते हैं, या फिर इधर स्टेट जहाँ पे है वो अभी भी जा सकते हैं, अभी पता नहीं है, जहाँ अच्छा लगेगा उधर चलेंगे। चलो मार्ट से उधर चलते हैं, 15 में ही चलते हैं। सिर्फ 2 बच्चे खेल रहे हैं, सुपुदा एक बॉल करके दिया उसको, ओह मिस हो गया, लेकिन कीपर सही है, 2 मिलके ही खेल रहे हैं शायद, बाकी सारे जितने भी खेल रहे थे घर चले गए नहाने के लिए, हो सकता है, टाइम भी हुआ है ना, अभी थोड़ी देर बाद खाना खा के फिर 1:30-2 बजे के बाद में आप वापस आना है, क्योंकि 5 बजे के ज़्यादा खेल नहीं सकते, तब अंधेरा हो जाता है, इसीलिए अभी घर ही जा रहे हैं सारे, अभी के लिए खेलना ख़त्म, नहा के खाना के बाद फिर से खेलना चालू हो जाएगा यहाँ पे, तब बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे अंकल बैठे टाइम पास कर रहे हैं, मस्त अड्डा दे रहे हैं। गाइस हमारा और माना के बीच का फासला बस इतना सा पानी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें, देखो उधर नहा रहे हैं जब, वहाँ पे थोड़ा सा ही गए हैं, और आधा मतलब कमर के नीचे तक वाला पोर्शन पानी के नीचे चला गया, और इस जगह पे तो और भी ज़्यादा पानी है, यहाँ से बिना नाव के नहीं गुजर सकते, अगर अच्छा स्विमिंग आता हो तो अलग बात है, लेकिन इतना गंदे पानी में कौन स्विमिंग करे, पानी का हालत देखो क्या हुआ है, उस साइड में पानी थोड़ा सा साफ है, उधर जहाँ पे पानी बह रहा है ना उस जगह पे, माना कि उस साइड में सही है, उधर लोग उतना ज़्यादा भी नहाते नहीं है, लेकिन क्योंकि लोग कम है उधर, और कुछ बाकी कुछ खास बात है नहीं, उस साइड में देखो कॉर्नर में उधर ही नहाते हैं ज़्यादा, और लोग भी वहाँ पे बहुत कम है, हमारे इस साइड में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो गंदगी तो ज़्यादा होगा ही, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो गंदगी होगा ही, यही बात है। उधर अभी तक कारण नहीं पहुँचा उस साइड में, मैं शायद लाइफ में 2 बार गया हूँ, बहुत दिन पहले, वो जिस बार गया हूँ उसी साल में 2 बार गया हूँ, 1-2 महीने के अंतर में 2 बार गया हूँ, उसके बाद कभी नहीं गया। काफ़ी सारे चीज़ें चास होता है उधर, और काफ़ी मस्त जगह भी है, और सारे ऑलमोस्ट मिट्टी के बने हुए घर हैं, और एक ही पक्का घर है जो कि है उधर का स्कूल, प्राइमरी स्कूल है एक, सुबह के टाइम के बाद जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं होता, रोशनी अभी तक गया नहीं है, शायद गया होगा जब हम लोग गए थे तब नहीं गया, सोलर सिस्टम शायद अभी आ गया होगा, जाना पड़ेगा एक दिन।
प्लानिंग करके हम लोग सोचते हैं कि चलेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के लिए हम जब जाते थे ना तब पानी बहुत कम था और आसपास में पहचान वाला लोग था जो उनको पता है कि कहाँ से जाना होता है, पैदल ही गए थे। लेकिन हम लोगों को जाने के लिए नाव चाहिए और नाव में अगर चले जाएंगे वापस आने के टाइम दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से लोग सुबह के टाइम में ही आते हैं और शाम के टाइम में वापस चले जाते हैं और उसके बाद से कोई नाव चला के आता नहीं। तो हम लोग अगर सुबह के टाइम पर चले गए वापस आने के टाइम में दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए नहीं जाते। किसी को पकड़ना पड़ेगा जो कि हम लोगों को उधर से इधर वापस भी लाए शाम के टाइम पे, नहीं तो उधर ही रह जाना पड़ेगा एक दिन, दूसरे दिन सुबह को आना पड़ेगा और उधर रहने के लिए जगह है नहीं। पूरा एकदम अंडर डेवलप्ड एरिया है, पूरा पूरा उस साइड में कुछ भी नहीं है रहने के लिए, कुछ भी नहीं बिल्कुल ही। अगर फंस गया एक दिन तो एक दिन वैसे ही गुजारा करना पड़ेगा बियर ग्रिल्स की तरह लेकिन वो नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो पंछियाँ मस्त उड़ रहा है, सही है, हवा भी सही है और धूप भी सही है, सर्दी का महीना है इसलिए मज़ा आ रहा है, नहीं तो गर्मी के महीने में इधर तक आते आते हालत ख़राब हो जाता। कम से कम 500 मीटर से ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, और रेत के ऊपर चलना 500 मीटर मतलब मान लो कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा नॉर्मल लोड में। थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेते हैं। अभी वापस आ चुका हूँ गाइस और बाहर धूप काफ़ी सही है देखो, और आज मुझे जल्दी नहा लेना है, थोड़ा सा टाइम हो रहा है 1:20। मैं पहले मम्मी नहा लेंगे, उनके लिए पानी गर्म करने दे देता हूँ, उसके बाद मम्मी का हो जाएगा, फिर मैं जल्दी नहा लूँगा। आज तो डेफिनेटली जल्दी नहाने वाला हूँ मैं 2 बजे से पहले, फिर खाना वाना खाना है, आज नहीं लेट करने वाला, ये तो बाद में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है। सही टाइम हो चुका है गैस, मतलब दोपहर का टाइम हो चुका है खाना खाने का, खाना भी इधर आ गया है, बस मम्मी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, खाना खाएंगे उसके बाद नहाने जाएंगे। पहले मेरा प्लान ये था कि नहाने के बाद खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, तो थोड़ा सा लेट हुआ है तो सही, थोड़ा सा और भी कर लेते हैं लेट और खाना खा लेंगे पहले, नहीं तो फिर मम्मी को दिक्कत हो जाएगी। मम्मी भी बैठी रहेंगी क्योंकि मैं और मम्मी दोनों ही हूँ अभी घर में और कोई है नहीं, तो जल्दी खाना कम्प्लीट कर लेते हैं उसके बाद नहाने चलेंगे आराम से। ये मम्मी आ चुकी है, खाना खाते चलो। और DBC अभी देखो धीरे धीरे साफ़ हो रहा है, मैं जो बोल रहा था कि 1:30 बजे के बाद से DBC का उधर एरिया जो है वो काफ़ी मस्त साफ़ हो जाता है, साफ़ सुथरा पूरा। अभी देखो कितना भी चेक कर लो धीरे से सही तरीके से जूम करके पॉल्यूशन नहीं दिखेगा उधर। अंधेरा हो चुका है गाइस, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत रोशनी अभी भी है लेकिन स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं और ऑलमोस्ट अंधेरा, इधर का देख के पता चलेगा सचमुच अंधेरा कितना हुआ है। और ये बाइक सोनादा लेके गया था आज, पूरा सर्विंग करके लेके आया और बोल रहा था कि काफ़ी चीज़ें खराब हो गए थे बाइक के अंदर, पूरा मोबाइल चेंज हुआ, एयर फिल्टर ख़राब हो गया था, सर्विसिंग करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा बाइक का। बाइक वैसे तो सर्विसिंग होता नहीं है, चाचाजी लेके जाते हैं उतना करवाते नहीं है, तो आज करवा के लेके आए, पूरा अलग ही बिल बना उसका। तो अभी फिलहाल यहाँ पे फन करेंगे, गाना चल रहा है मस्त, वो भी 90s का, तो गाना सुनते हैं धुन में रहते हैं। फिलहाल आज के लिए ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना।